हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ पतंजलि केश कांति हर्बल मेहंदी नेचुरल ब्लैक का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। गाइस, ये हेयर डाई पतंजलि ब्रांड से है और आज मैं आप लोगों के साथ इसका फुल डिटेल रिव्यू शेयर करूंगी। आपको इसे कैसे लगाना है, कितने देर तक रखना है और ये 100% नेचुरल है, हर्बल है यानी, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये नेचुरल हेयर डाई कैसा है। ओके, सो गाइस, रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी प्राइस, क्वांटिटी, शेल्फ लाइफ बताऊंगी। सो गाइस, इसकी क्वांटिटी है यहाँ पे 20 ग्राम्स और इसकी शेल्फ लाइफ है 1 ईयर और इस हेयर डाई की प्राइस है ₹20, जो काफी अफोर्डेबल है। सो गाइस, अब बात करते हैं इस हेयर डाई में क्या क्या इंग्रीडियंट्स मिक्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हीना, आंवला, मेथी, शीकाकाई, नीम, भृंगराज, कथा, चाय पत्ती, कलौंजी और नील पत्ता मिक्स्ड है। आप देख सकते हैं इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी मिक्स्ड है और आप देख सकते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स है जो इसमें नेचुरली मिक्स्ड है। इसके बाद गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कुछ कुछ केमिकल्स भी मिक्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम परबोरेट, टेट्रा सोडियम, पाइरोफोस्फेट, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस, टार्टारिक एसिड, सोडियम लॉरियल सल्फेट पाउडर और भी इसमें केमिकल्स जो है वो मिक्स है, यानी कि पूरी तरीके से हर्बल नहीं है। इसमें केमिकल्स का भी यूज किया गया है। गाइज, इसमें केमिकल मिक्स है तो आपको इसे अपने हेयर्स में अप्लाई करने से पहले आपको इसे अपने स्किन पे सेंसिटिविटी टेस्ट कर लेना है और उसके बाद ही आप इसे अपने बालों पे अप्लाई कीजिए। तो आपको इस टेस्ट को कैसे करना है, जैसे आपको इस हेयर डाई की स्मॉल क्वांटिटी लेनी है और उसमें आप पानी डाल दीजिए थोड़ी सी और इसकी एक पेस्ट कंसिस्टेंसी बना लीजिए और अपने इसे लगा लीजिए और 5 मिनट बाद आप इसे वॉश ऑफ कर लीजिए। उसके बाद 24 घंटे तक अगर आपके स्किन पे कुछ भी इरिटेशन नहीं होता, उसके बाद आप अपने इसे बालों पर अप्लाई कीजिए। और जब आप इस हेयर डाई को अपने बालों में लगा रहे हैं तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके बालों में बिल्कुल भी तेल नहीं होना चाहिए और लगाने के बाद आपको इसे 30 से 35 मिनट तक रखना है अपने बालों पे और इससे आपके बालों पे पूरा कलर भी आ जाएगा उतने देर में। और इसके बाद आप अच्छे तरीके से अपने बालों को शैम्पू से वॉश ऑफ कर लीजिए और आप कंडीशनर भी यूज कर सकते हैं। और गाइस, पतंजलि ब्रांड ये क्लेम करता है कि ये हेयर डाई जो है ये आपके बालों को ब्लैक करने में हेल्प करेगा, यानी कि आपके बालों को कलर करेगा, साथ ही आपके बालों को कंडीशनिंग भी प्रोवाइड करेगा जो नेचुरल होगा और ये आपके बालों में एक शाइन और लश्चर भी ऐड करेगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इस हेयर डाई को कैसे बनाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसकी 1 चम्मच की क्वांटिटी में इसे ले लिया है और इसके बाद मैं इसमें यहाँ पे पानी मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े करके पानी ले रही हूँ जिससे कि मेरा एक पेस्ट कंसिस्टेंसी अच्छा सा आ जाए। तो गाइज, आप देख सकते हैं इस तरीके की यहाँ पे कंसिस्टेंसी मैंने यहाँ पे बना लिया है और अब मैं आपको यहाँ पे अपने हाथों पर इसे लगाकर भी इसे लगा लिया और इसके बाद मैं इसे यहाँ पे 5 मिनट तक छोड़ दूंगी। देखिए, 5 मिनट के बाद इसका कलर इतने जल्दी ही आ गया, 2 मिनट में ही मैंने इसे वॉश कर लिया था और देख सकते हैं आप इसका कितना अच्छा कलर आ गया है। और आपको इस हेयर डाई को अपने बालों पर 30 मिनट तक रखना है और उसके बाद आपको शैम्पू से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। और गाइज, ये हेयर डाई आपके बालों पर 20 से 25 दिन तक आराम से चल जाएगा और उसके बाद आपको दोबारा लगाने की जरूरत पड़ेगी। और गाइज, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि पतंजलि के ब्रांड का है और ये बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट है तो ऐसा नहीं है, इसमें केमिकल्स भी मिक्स है। जैसे कि मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में दिखाया था तो इसमें केमिकल भी मिक्स है, ये पूरी तरीके से हर्बल नहीं है। सो गाइज, ये था आज का मेरा पतंजलि केश कांति हर्बल मेहंदी नेचुरल ब्लैक का रिव्यू। अगर आपको आज का मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।